नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी की टीम बुरी तरीके से हार गई है और इस हार की कम से कम उम्मीद नहीं की गई थी और ये उम्मीद की गई थी कि पिछला मैच हारने के बाद धोनी कमबैक करेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर से धोनी को उन्हीं की टीम के 5 खिलाड़ी ले डूबे। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सीएसके की हार के 5 बड़े कारण दिल्ली के खिलाफ क्या रहे। पहला बड़ा कारण, धोनी ने टॉस जीता लेकिन ली बॉलिंग, जो अभी तक एक तरीके से एक ही बार एक टीम सक्सेसफुल हुई है 7 मैचेस में, यानी टॉस जीतकर बॉलिंग करके एक ही मैच में चेज कर पाई है टीम, लेकिन फिर भी देखते हुए टॉस ये लिया गया। उसके बाद ओपनिंग गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन, ओपनिंग गेंदबाजों ने प्रदर्शन नहीं किया, विकेट्स नहीं ले पाए शुरुआत में, इसी वजह से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की, धुआंधार बल्लेबाजी की, जिस वजह से एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिल्ली को मिल गया। तीसरा बड़ा कारण, आखिरी के ओवर्स में उतने अच्छे गेंदबाजी नहीं हो पाई जितनी उम्मीद की गई थी। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने और साथ ही साथ स्टॉइनिस ने और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से आखिरी में इनिंग्स खेल दी और 175 तक स्कोर वो ले गए, हालांकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 200 के आसपास जाएगा, तो उस बीच में तो अच्छी बॉलिंग की थी, मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन वहां मैं मानूंगा जो दूसरा बड़ा कारण था वो था रविंद्र जडेजा की बॉलिंग, क्योंकि बाकी बॉलर्स को आप अगर उठाकर देख लीजिए तो लगभग 7, 7.5, 8 की इकोनॉमी से रन दिया है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 44 रन लुटा दिए, इस वजह से स्कोर 175 तक पहुंच गया। फिर उसके बाद मैं तीसरा बड़ा कारण मानूंगा एक बार फिर से सीएसके की ओपनिंग बल्लेबाजी का फेल हो जाना। वॉटसन ने कुछ शॉट्स लगाए लेकिन इतने रन काफी नहीं होते हैं जब आप 176 चेज कर रहे होते हैं, आउट हो गए और टीम पर प्रेशर आ गया। फिर चौथी बड़ी गलती, महेंद्र सिंह धोनी ने फिर वही गलती की, वो ऊपर खुद नहीं आए, पहले उन्होंने अपने केदार जाधव को भी भेज दिया, ऋतुराज गायकवाड़ को भी भेज दिया, फफ डुप्लेसी खैर 3 नंबर पर आते ही हैं तो उनके लिए तो कुछ कहना नहीं क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन फफ डुप्लेसी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को जो भेजा गया वहां पर धोनी खुद आ सकते थे, ये चौथी बड़ी गलती थी। ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म नहीं कर पाए, उधर केदार जाधव भी रन बहुत ज्यादा चाहिए थे उस हिसाब से वो उनके 25 रन कुछ काम टीम के नहीं आए। और पांचवी बड़ी गलती, मैं यही मानूंगा कि धोनी ने एक बार फिर से वही किया जो पंजाब के खिलाफ हार का कारण बना था, राजस्थान के खिलाफ जो हार का कारण बना था, राजस्थान ने 200 बना दिए थे, उसके बाद धोनी 7 नंबर पर आए थे जिस वजह से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में भी तब आए जब लगभग मैच खत्म हो चुका था, यानी 4 ओवर में आपको 80-85 रन चाहिए थे, बहुत ज्यादा रन रेट चाहिए होता है, अगर 4 ओवर में कुछ 50 या 56 चाहिए हो, 10 या 12 के रन रेट से चाहिए हो तो आपको समझ में भी आता है, लेकिन जब कुछ ज्यादा ही जरूरत हो जाती है तो फिर धोनी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सभी को पता है। धोनी क्रिकेटर है, भगवान नहीं है कि आते ही 4 ओवर में आके 85 रन बना दिए, इसलिए ये 5 बड़े हार के कारण रहे। उम्मीद करेंगे कि धोनी इन गलतियों से सीखेंगे और अगले मैच में वापस से पंजा मारेंगे और जीत का पंजा मारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।